Guys, a very very welcome back to my channel. आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल में. आज डे टू है मसूरी में और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ मसूरी में. और फिलहाल अभी कंपनी गार्डन में आया हूँ एंड स्टार्टिंग से देखिए ब्लॉग. गाइस मैंने अब थंडरबर्ड मैंने पार्किंग में लगा दिया है और अभी कंपनी गार्डन पहुँच चुके हैं. भाई मेरा यहाँ है एंड दो टिकट लिया. इच पर्सन आपको 25 रुपीज़ पड़ते हैं. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफ़ी सारे शॉपिंग सेंटर है, मतलब आप दुकान वगैरह बहुत कुछ ले सकते हो. यहाँ चलिए गार्डन नाम है तो गार्डन से ही होंगे. पेड़ देखो आप स्ट्रेट एकदम ऐसा लग रहा है सिक्किम आ गया हूँ मैं. फ्लावर्स वगैरह सब कुछ, झूला वगैरह सब कुछ है. सो अभी तो बहुत सारे फ्लावर खिले भी नहीं है, मुझे लगता है ये सब तो खिले भी नहीं है अभी. सो ये प्यारा सा आप देख सकते हो. यहाँ पे रील्स अच्छे बनेंगी, स्लो मोशंस वगैरह अच्छे आएंगे. यहाँ पे फ्लावर्स आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत. राज फिल्म का शूटिंग इधर ही हुआ था क्या? फ्लावर प्यारा सा खूबसूरत सा फ्लावर्स. सो यहाँ पे देखो अगर आप राइड करना चाहोगे तो उसके लिए अलग से चार्जेस लगेंगे. फिलहाल ये फूड कोर्ट है जहाँ पे आप रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आपको फूलों से पूरा सजाया गया है और यहाँ पे आप बैठ के डिनर लंच ब्रेकफास्ट सब कर सकते हो. यार यहाँ तो प्लांट का नर्सरी भी है. ये तो खूबसूरत खूबसूरत फूल है. वाह यहाँ पे देखो गाइस, अरे गजब यार. ये देखो इतना अमेजिंग है. नेचर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता. नेचर इतनी सुंदर होती है ना. फ्लावर्स खूबसूरत लग रहे हैं, अमेजिंग. सच्ची उतारो दिल्ली में घूमा लेकिन इतना एंजॉय नहीं कर पाया जितना मसूरी में कर रहा हूँ. जितना ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, टेंशन फ्री एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है. यहाँ पे देखो, चलो इतनी अच्छी लोकेशन में रील्स ना बनाऊँ फोटो ना लूँ तो फिर क्या. तो आप देखो क्या फ्लावर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना. सोच रहा था कि कितना छोटा है एंड 25 रुपीज़ चार्ज ले लिए गए इन, यहाँ के पैसे वसूल हो गए. इतनी सारे खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स देखे ना, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया. देखो यार क्या लोकेशन है, वहाँ पे घरे हैं, मुझे लगता है लोग रहते हैं. वाह लग रहा है ना, यहाँ पे एक घर, इसी घर में रुक जाऊँ. से इधर आया ना मुझे पहाड़ों से प्यार हो गया यार. पहाड़ों से, नेचर से, वाटरफॉल, इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, रास्ते इतने सुंदर. देखो गाइज मुझे सिर्फ ब्लॉगिंग नहीं करना रहता, ब्लॉगिंग के साथ रील्स भी बनाना है, फ़ोटो भी लेना है, राजन भाई का भी फ़ोटो लेना है, फिर स्लो मोशन लेना है, बहुत कुछ लेना हो रहता है एक ही समय में. तो बहुत ही बिजी रहता है मेरा फ़ोन, मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ कहीं भी जाता हूँ तो. एंड उतना ही नहीं है, रात में जग के ब्लॉग एडिट करना है ना, उसको अपलोड भी करना है, बहुत सारे काम होते हैं. तो यहाँ पे भी छोटा सा वाटरफॉल है देखो आप. तो काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं आप घूमने के लिए. अब वक्त आ गया है यहाँ से अलविदा होने का, इस कंपनी गार्डन से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है, बहुत जगह घूमना है और आज भर ही टाइम है. कंपनी गार्डन में झूला भी है जिसके अलग चार्ज लगते हैं, रेस्टोरेंट भी है जिसके अलग चार्ज लगते हैं. 25 रुपीज़ में सिर्फ आप घूम सकते हो और खुद के फ़ोन से क्लिक कर सकते हो.
पहुंच चुके हैं मसूरी में एंड बहुत ही टॉप में है, आप देख सकते हो। हम लोग को 1 किलोमीटर पैदल चल के जाना या आप ई रिक्शा करोगे, इस पर्सन का 100 रुपीज़ लगेगा एंड मतलब 200 जाना तो 200। बाइक यहीं पे, बाइक यहाँ से ज़्यादा आगे जाने मिलता नहीं है, यहाँ पे 50 रुपये बाइक खड़ा करने के भी चार्ज लगते। तो ये है प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो एंट्री प्राइवेट प्रॉपर्टी, पता है। इसमें अभी मैंने बात किया, बोले कि 2000 ले लो, एक फ़ोटो ले लो, मतलब 2000 दूँ यार फ़ोटो के लिए, कमाल यार। बाइक मैंने यहाँ पार्क कर दिया हुआ, तो चलिए यहाँ से चलते हैं, चलो। पता है एक किलोमीटर पूरा चढ़ानी है, हम लोगों को कितना वक्त लग जाएगा पैदल जाने में, तो देखते हैं रिक्शा करते हैं या क्या करते हैं, देखते हैं। देखो गाइस, बेसिकली ये सब प्लेस जो होते हैं ना एक्टिविटीज़ के लिए हैं, यहाँ पे अगर आप एक्टिविटी नहीं करोगे तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा। ये सब एरिया जो है एंड सीन और व्यू जो है वो काफ़ी खूबसूरत है। यहीं पे वीडियोस बना ले, ऊपर नहीं जाऊँगा यार, इतने में ही तो हालत ख़राब हो गए। ये जो एरिया देख रहे हो ना, प्राइवेट एरिया है, यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग वगैरह होती है। आगे में बहुत अच्छा लोकेशन है, यहाँ पे जाने का 2000 चार्ज करता है, तो हम लोग तो नहीं जा रहे हैं। सो गाइज, ऊपर में 50 रुपये बाइक का तो दे दिए, लेकिन हम लोग ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, इतना में ही हालत ख़राब हो गया, और गाड़ी में 200 रुपये लगेंगे। और देखो, एक्चुअली मसूरी इस टाइप के एरिया जो होते हैं पहाड़ी इलाका, बेसिकली एक्टिविटी के लिए होते हैं, जैसे जिप लाइन करोगे, चॉपर्स में घूमोगे, स्विंग झूले में झूलोगे, पैसे तो लगते हैं। ऊपर में हेलीकॉप्टर है, चॉपर्स, जिसमें से 7 मिनट का एक आदमी का 6000 रुपये चार्ज करता है, ठीक है। अगर मैं हेलीकॉप्टर में घूमना चाहूँ तो पहाड़ों के ऊपर में घूम सकता हूँ, लेकिन पैसे बहुत लगेंगे, 7 मिनट के 6000, समझ सकते हो आप, बहुत ही ज़्यादा महंगा है ना। लेकिन ख्वाब पूरा ज़रूर हो जाएगा इधर आने से, अगर पैसे हैं आ जाओ आप, सारे ख्वाब पूरे। फाइनली हम लोग तो चढ़ नहीं पाए जॉर्ज एवरेस्ट, लेकिन यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस, मसूरी में अभी मैं हूँ क्लाउड इंड में, है ना, इस जगह का नाम है क्लाउड इंड, एंड यहाँ से आप देख सकते हो लिटरली बहुत ही भयानक सीन है यार, काफ़ी खतरनाक लग रहा है यहाँ से देखने में, है ना। क्लाउड इंड इस जगह का नाम है, आई थिंक ये लगता है कि अगर बादल अगर होते हैं, ऐसा लगता है कि बादल को हम लोग टच कर रहे हैं, बट इनफैक्ट अभी बादल है नहीं। अगर सुबह सुबह आते हैं कुहासा रहता तो ऐसा लगता, बट सुबह में कुहासा में ये फिर ये जो वादियाँ दिख रही है ना आपको, वो नहीं दिखती। तो मसूरी से हम लोग सबसे पहले कंपनी गार्डन गए, कंपनी गार्डन से ही रास्ता है जहाँ से हम लोग सबसे पहले जॉर्ज एवरेस्ट गए हैं, लेकिन आप सबने देखा कि हम लोग ऊपर नहीं चढ़े, क्योंकि 1 किलोमीटर काफ़ी चढ़ान है, वहाँ पे चॉपर्स वगैरह सब थे, हेलीकॉप्टर में बैठ सकते हो, बहुत सारे एक्टिविटी थे, लेकिन हम लोग नहीं गए। फिर उसी रास्ते में है ये क्लाउड इंड, तो हम लोग अभी क्लाउड इंड आ गए हैं, एंड क्योंकि सब एक ही रूट में था, तो जो एक रूट में था यानी कंपनी गार्डन, जॉर्ज एवरेस्ट और तीसरा ये क्लाउड इंड, तीनों हम लोग एक रूट में था, तो तीनों ये कवर कर लिए हैं ब्लॉग में। एक बार आप जरा देख लो व्यू, कमाल का व्यू है, और वो पेड़ जो देख रहे हो ना, इसी पेड़ का मुझे तलाश था यार, कि ये पेड़ कब मिलेगा। और मैं राज वाले फिल्म का जो गाना है ना, राज फिल्म देखे हो ना सब, भूत वाला, तो उसके गाने शूट इधर रील्स बनाऊंगा, मस्त आएगा यार। मुझे लगा कि वादियों में जो मेरी आवाज है वो गूंजेगी। आई लव यू, काश इस वादियों में आवाज गूंजती तो कितना मजा आता। I love you.